प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा अम्ब्रेला मशीन को आप इस तरह सेट करें कि आपके किसी भी कपड़े पर टाप नहीं देगी और बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। वीडियो पूरा देखें जिससे आपकी समझ में आ सके अपने इस सेटिंग को करने के बाद हौजरी, पतले कपड़े पे या बिल्कुल साटन के कपड़े पे भी आप बहुत फास्ट गति से ये मशीन चला सकते हो। ये सेटिंग कर लें एक बार, उसके बाद आपकी अम्ब्रेला मशीन सारे कपड़ों पर बहुत फर्राटे तरीके से चलेगी। ये देखें किस तरह क्या करना है। मशीन अपनी सेट होती है परंतु फिर भी टाप देती है। अगर टाप देती है तो उसके लिए आपको करना है, एक छोटी सी सेटिंग बता रहा हूँ जिसको आपको करना है। दोस्तों यहाँ पर टब होता है, आप अपनी मशीन में अगर टब है तो टब को खोल लें। टब को खोलने के बाद ये गज का स्क्रू होता है दोस्तों, ये गज वाला स्क्रू है, इसको खोल लें। ये खोल लिया दोस्तों। इसके बाद मशीन का जो ये वाला लिंक है यानी गज है, गज को बिल्कुल नीचे कर दें। इसको बिल्कुल नीचे ले लें, इस तरह से ये नीचे ले लिया अपन ने, इस तरह से। इसके बाद अगर अपन रिंग घुमाते हैं तो ये ऊपर जाता है, तो इसलिए बिल्कुल इस स्टेज पे इसको रख लें। आपकी समझ में आएगा, दोबारा बताता हूँ। ये जो गज को रोकने के लिए स्क्रू है और ये वाला पॉइंट बिल्कुल नीचे आता है, अभी नीचे आ गया। अगर इसको अपन और रिंग घुमाते हैं तो ये ऊपर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। इसको यहीं पर स्टेबल कर दें। इसको स्टेबल करने के बाद दोस्तों करना क्या है, ये वाला स्क्रू अपन खोल लेते हैं। ये स्क्रू खोल लिया, अब अपन गज को बिल्कुल नीचे बिल्कुल डाउन कर देते हैं पूरा। अब दोस्तों इसको नीचे करने के बाद गज को बिल्कुल नीचे कर देते हैं, ये गज नीचे हो गया। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कोई भी बड़ा पेचकस या कुछ लेके इस तरह से इसमें हल्का सा पुश कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल नीचे टच हो गया है। इसको टच होने से मात्र बाल बराबर या नाखून की जितनी मोटाई होती है उसके बराबर इसको ऊँचा करना है, बस। उसके लिए दोस्तों मैं इसको ऊँचा कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब यहीं की यहीं इसको गज को इस तरह से पकड़ के रखें इस तरह से, और इस स्क्रू को कस देते हैं। इस स्क्रू को आपको ध्यान रखना फुल टाइट कस देना, फुल। और टाइट कसने के बाद अब मैं इसको चला के बताता हूँ हौजरी के कपड़े पे कितनी फर्स्ट क्लास चलती है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये चारों कपड़े मैंने रख लिए हैं। ये हौजरी का कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ठीक है। ये भी हौजरी का है पर ये हार्ड है थोड़ा। ये बिल्कुल कॉटन कपड़ा है और ये जीन्स का कपड़ा है। इस सेटिंग के बाद अब इन चारों कपड़ों पर मशीन चलेगी। देखो ये हौजरी, जैसे कि अपन लोवर वगैरह टी शर्ट वगैरह मोड़ते हैं, मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। देखें बिल्कुल परफेक्ट सिलाई है, इस तरह की सिलाई की आवश्यकता होती है। इस तरह अगर इसको सिलाई हौजरी के कपड़े पर अगर जब भी सिलाई कर रहे हैं तो आपको करने के चाल को फुल करने लें। मैंने इसकी चाल फुल कर रखी है, तो इस तरह से आप चाल फुल कर सकते हैं। अब अगर आपको हौजरी का ही चलाना है फिर भी चाल को फुल ही रखें। अब ये दूसरा कपड़ा चला रहा हूँ जो हार्ड हौजरी है। इसकी सिलाई भी देखें, एक एक दाना बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी तरह का वो नहीं है। अब मैं आपको कॉटन चला के दिखा रहा हूँ। कॉटन पे भी एक एक सिलाई बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको जीन्स चला के दिखाता हूँ। ये जीन्स का पैंट का कटा हुआ टुकड़ा है। ये देखें दोस्तों, जीन्स पे भी बिल्कुल क्लियर सिलाई। अपन पैंट को मोड़ते हैं तो जीन्स में
बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, या सुई धागा तोड़ती है या सुई टूट जाती है। ये फोर लेयर कपड़ा है, अंदर वाला हिस्सा है, ये टू लेयर ही होगी। सिक्स लेयर कपड़े पे आप कोई भी नंबर की सुई लगा के जीन्स को भी सिल सकते हो। देखे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर सफाई है ये सिलाई, वाइट धागे से जो सिलाई हो रही है। ये तो बिल्कुल एट लेयर कपड़े पे है, और ये देखो आप टू लेयर कपड़े पे बिल्कुल सिलाई साफ है। इस तरह की सेटिंग करने के बाद अपनी मशीन में आप किसी भी तरह का कपड़ा किसी भी नंबर की सुई से बिल्कुल क्लियर और साफ तरीके से सिल सकते हैं। आपको सुई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इतना मात्र है कि छोटी सी ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, आप अपने काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अनुग्रहित करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। जय हिंद दोस्तों।